कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ सदा भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हम महाशिवरात्रि की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ सदा भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आज हम आपको भगवान भोलेनाथ की महिमा वर्णन के साथ वो कथा सुनाएंगे जिसे व्रत करने वाले भक्त को अवश्य सुनना चाहिए। प्रिय भक्तों, ये त्योहार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर एक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत और पूजा साधना की जाती है, लेकिन फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि के रूप में क्यों मनाया जाने लगा, चलिए पहले सुनते हैं इसकी कथा। ज्योतिर्लिंग के रूप में इस दिन प्रकट हुए थे शिव जी। बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ सदा भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती के साथ विवाह किया था। भक्तजनों, माता पार्वती अपने पिछले जन्म में राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी। राजा दक्ष प्रजापति ने अपने एक महायज्ञ में भगवान भोलेनाथ का अपमान कर दिया था, जिसके कारण माता सती ने आत्मदाह कर लिया था और अपने अगले जन्म में हिमालय की पुत्री बनकर आई थी। जब कन्या विवाह के योग्य हो गयी तो राजा दक्ष प्रजापति ने योग्य वर खोजने के लिए पंडित को भेजा। घूम के आया पंडित, देखो फिर तो दसो दिशाएं, मांगो रा के लिए योग्य वर उनको नजर न आए। माता पार्वती ने ही फिर पंडित से कहा है, जाओ तुम कैलाश है, पंडित मेरा वर वहां है।
प्रियजनों, जब राजा हिमालय के कहने पर पंडित भोलेनाथ के पास विवाह संदेश लेकर गए तो कैलाश पर जाकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा योगी तन पर भस्म रमाए ध्यान मग्न बैठा है। किंतु ये तो सब भोलेनाथ की माया थी। अंत में पंडित ने भोलेनाथ को विवाह संदेश दिया और दक्षिणा मांगने लगे तो भोलेनाथ ने उन्हें सांप और बिच्छुओं के कक्ष खोलकर दिखा दिए और कहने लगे, जितनी चाहो दक्षिणा ले लो। भोलेनाथ से जब पंडित ने दक्षिणा लेनी चाही, खोल कोठरी भोलेनाथ ने पंडित को दिखलाई। कहने लगे कि पंडित चाहे जितनी दक्षिणा जहरीले। पंडित बोला, दक्षिणा मुझको नहीं चाहिए बाबा, उल्टे पाँव डर करके फिर तब पंडित है भागा। राजा हिमालय को करके पंडित ने बतलाया, बोला विवाह संदेशा देकर मैं तो चलाया। सुन करके ये राजा हिमालय शाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ सदा भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को विवाह संदेशा देकर आ गए तो इधर राजा हिमालय ने अपनी कन्या के विवाह की तैयारी शुरू कर दी, और उधर से भोलेनाथ सभी शिवगण भूत प्रेत और देवताओं को बाराती बनाकर माता पार्वती से विवाह करने आते हैं। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन ही शिव पार्वती का विवाह संपन्न होता है। शिवरात्रि तब ही जाता मनाया, भोलेनाथ ने माता से इस दिन ही ब्याह रचाया। सारे ही देवी देवों ने खुशी मनाई है, शिव और शक्ति मिलन में ही सृष्टि की भलाई है। इस उपलक्ष्य में भोलेनाथ की पूजा करते हैं, करते हैं व्रत भोलेनाथ का सुमिरन करते हैं। और महाशिवरात्रि के पर्व की व्रत कथा भी है, पूजा पाठ के बाद अवश्य ही जो जाति सुनी है। कथा सुने बिन व्रत अधूरा ऐसा बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ सदा भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। महाशिवरात्रि का पावन पर्व माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के विवाह संपन्न होने के उपलक्ष में भी मनाया जाता है। इस दिन लाखों भक्त भगवान भोलेनाथ के लिंग स्वरूप को जलाभिषेक करते हैं और उन्हें बेलपत्र अर्पित करके विधि पूर्वक पूजा पाठ करते हैं और भगवान भोलेनाथ का व्रत भी रखते हैं। भक्तों, महाशिवरात्रि व्रत की एक पौराणिक कथा भी है। कहते हैं, पूजा पाठ के बाद इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। आइए भक्तजनों, सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत की ये परम कल्याणकारी कथा। एक बार माँ पार्वती ने शिव से पूछा है,
तुम्हें सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ सदा भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ ने पार्वती को बताया कि हे पार्वती, मेरी कृपा प्राप्त करने का बड़ा ही सरल उपाय है, विधि पूर्वक महाशिवरात्रि का व्रत। इस व्रत को करने से मेरी कृपा सदैव भक्तों पर बनी रहती है। यदि अनजाने में भी इस व्रत का पालन किया जाए तो वो प्राणी भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इस व्रत का महत्व ऐसा है और जो भी इस व्रत को करते हैं उन्हें एक पौराणिक कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस कथा को सुने बिना व्रत का फल अधूरा रहता है। ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को महाशिवरात्रि व्रत की पावन कथा सुनाते हैं। आइए भक्तों, श्रवण करते हैं वही कथा। किसी समय में चित्रसेन नामक था एक शिकारी, पशु पक्षियों की हत्या करके सारी उम्र गुजारी। किसी प्रकार से चित्रसेन तो पालता था परिवार, और उसी गांव में रहता था एक साहूकार। चित्रसेन को भी एक बार है उसने कर्ज दिया, किंतु समय से कर्ज अदा नहीं चित्रसेन ने किया। साहूकार ने चित्रसेन को बंदी बना, मठ में है चित्रसेन को किया। उस मठ में कुछ शिव के भक्त भी फिर आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ सदा भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। चित्रसेन को बंदी बनाया वो महाशिवरात्रि का ही दिन था। उस दिन अनेकों भक्त रात्रि को शिव चर्चा और कीर्तन कर रहे थे, जिसे चित्रसेन ने बड़े ध्यान पूर्वक सुना। शाम ढलने पर जब साहूकार आया तो चित्रसेन कहने लगा, मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। साहूकार ने उसे छोड़ दिया। शाम के समय चित्रसेन शिकार करने के लिए जंगल में गया और एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। वो बेलपत्र का वृक्ष था। उसी के नीचे एक शिवलिंग बना हुआ था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का पता न चला और रात को शिकार करने के मकसद से इस बेलपत्र पर मचान बनाने लगा। जब टहनी तोड़ता तो बेलपत्र शिवलिंग पर जाकर गिरते, जिसका चित्रसेन को कुछ भी पता नहीं था। चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ सदा भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
दर्जनों शिवरात्रि के दिन बंदी रहने के कारण चित्रसेन दिन भर भूखा रहा और रात को शिकार करने के लिए एक बेलपत्र पर चढ़ गया जिसके नीचे शिवलिंग बना हुआ था। जब मचान बनाने लगा तो टहनी तोड़कर पत्ते नीचे गिराने लगा और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ते गए। भगवान भोलेनाथ ने इसे अपना व्रत और पूजा मान लिया और चित्रसेन का उद्धार करने का निश्चय कर लिया। आधी रात के समय एक मृगिणी आई। चित्रसेन ने उसे मारने के लिए जो ही प्रत्यंचा खींची, मृगिणी बोली, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ, मेरे साथ साथ आप मेरे पेट में पल रहे बच्चे का भी वध करोगे, आपको दो हत्याओं का पाप लगेगा, अतः मैं बच्चों को जन्म देकर स्वयं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगी। चित्रसेन जो बड़ा ही निर्दयी शिकारी था, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसमें दया का भाव आ गया और उसने मृगिणी की बात पर विश्वास करके उसे छोड़ दिया। शिकार करने के लिए चित्रसेन ने धनुष चलाना चाहा, तो वो भी बोल पड़ी, हे शिकारी, मैं अभी ऋतु से निवृत्त हुई हूँ और अपने प्रियवर की तलाश में हूँ, आप मुझ पर दया करके मुझे मेरे प्रियवर से मिलवा दीजिए, उसके पश्चात मैं स्वयं आपके पास आ जाऊंगी। न जाने क्यों चित्रसेन को उस पर भी दया आ गई और उसे भी छोड़ दिया। इसके पश्चात एक मृगिणी और आई। जैसे ही चित्रसेन उसे मारने लगा तो वो भी बोली, हे शिकारी, मुझे मत मारो, मैं अपने बच्चों के पास जा रही हूँ। चित्रसेन ने कहा, मैं तुझे मार कर अपना और अपने बच्चों का पेट भरूंगा। तब मृगिणी कहने लगी, जैसे तुम्हें अपने बच्चे प्यारे हैं, वैसे ही मुझे भी तो अपने बच्चे प्यारे हैं। अगर तुम मुझे मार दोगे तो मेरे बच्चे मेरे बिना नहीं रह पाएंगे। बच्चों के नाम से चित्रसेन को फिर दया आ गई और उसे भी छोड़ दिया। मर जाएंगे।
शिकार आएगा तो उसे नहीं जाने दूंगा। ऐसे ही यदि मेरे मन में दया आ गई तो मैं भी भूखा मरूंगा और मेरे बच्चे भी। इतना सोचते सोचते एक मृग उसके सामने आ गया। जैसे ही चित्रसेन ने उस पर तीर चलाना चाहा, वह भी बोल पड़ा, शिकारी, मैं अपनी पत्नी और बच्चों की तलाश में घूम रहा हूँ। यदि आप मुझे मार दोगे तो मेरा वियोग वो सहन नहीं कर पाएंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, एक बार अपने परिवार से मिल लूँ इसके पश्चात मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बातें सुनकर चित्रसेन का हृदय पुनः पिघल गया और उसे भी छोड़ दिया। मृग को छोड़ के चित्रसेन तो ऐसा सोच रहा है, ना जाने क्यों मेरे मन में आई आज दया है। हाथ में आए हुए शिकार को नहीं मैं मार सका, बिना शिकार छोड़ दिया और व्याकुलता में वो बेलपत्र के पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे गिराता रहा। ये संयोग से महाशिवरात्रि का दिन था। दिन भर मठ में भूखा प्यासा और रात में जाग कर जागरण का फल प्राप्त हो गया। इतने में ही वो मृग अपने परिवार सहित अपने दिए वचन के अनुसार शिकारी के पास आ गए। किंतु तब तक भगवान भोलेनाथ की कृपा से चित्रसेन का हृदय परिवर्तन हो चुका था। मृग और उसके परिवार के सत्य को देख कर उसे अपने आप पर बड़ी ग्लानि हुई। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ शिव को पुकारने लगा और धनुष बाण उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। चित्रसेन पर भोलेनाथ की साक्षात कृपा हो गई थी। ये देखकर सभी देवता अंबर से पुष्प वर्षा करने लगे। अंत में चित्रसेन की मृत्यु हुई तो शिवगढ़ ही उसे लेने आए और वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। कथा सुनाते हुए भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, ऐसी है महाशिवरात्रि व्रत की महिमा। दिखाते हैं पावन कथा सुनाते हैं, भोलेनाथ सदा भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।